फिर से देखेंगे लोग, फिर से प्यार करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि जिसने अभी तक भी नहीं देखा, क्योंकि वो भी देखे उसको। अभी दोबारा टीवी पे फिर रामायण आ रही है, आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं, कैसे इसको? नहीं कुछ नहीं, दो फिर से देखेंगे लोग, फिर से प्यार करेंगे, सभी कुछ अच्छा होगा। रामायण बेसिकली एक इतना पॉजिटिव चीज़ है हमारी लाइफ के लिए, तो मैं तो ये कहता हूँ कि जिसने अभी तक भी नहीं देखा, क्योंकि वो भी देखे उसको, बहुत अच्छा होगा रामायण। रामायण अपने आप में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमें ज़िंदगी जीना सिखाता है बेसिकली, तो उसे सिर्फ हम मनोरंजन की दृष्टि से ही ना देखें, जो उसमें कहा गया है, जो उसमें बताया गया है हमें, हम उसको भी अपने जीवन में अगर उतार लेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सुख आएगा, बहुत शांति आएगी, बहुत आनंद आएगा। 36 साल पहले भी कर्फ्यू लगता, जब ये चलती थी रामायण सड़कें सुनसान होती थी, टीवी पे चलती थी। अभी लॉकडाउन के दौरान इसको री रिलीज किया गया जी, तब भी सुना इसकी व्यूवरशिप रिकॉर्ड तोड़ व्यूवरशिप हुई। हाँ बिल्कुल, और मोस्ट व्यूवर मैथोलॉजिकल सीरियल में इनका बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। आपको कैसा लगता है जब सुनते हैं? नहीं मुझे उसका उसका एक बात बहुत अच्छी लगी, ये तो अच्छा है ही है कि आपकी कोई चीज़ रिकॉर्ड कायम करती है वो तो खुशी होती है। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो भी कोविड में रामायण रिलीज हुआ था, कि हमारी जो यंग जनरेशन थी उसने देखा इसको, और आज जो मुझे लोग मिलना चाहते हैं जो वो सब वही लोग हैं जिनसे उस वक्त रामायण मिस हुई, क्योंकि वो बहुत छोटे रहे होंगे या तो पैदा ही नहीं हुए थे, उन्होंने रामायण देखी। तो आज जो यंग जनरेशन है वो रामायण को उसने देखा, उसने रामायण को पसंद किया, हमारी वाली रामायण को, और वो उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और वो मुझे इतना प्यार देते हैं, तो ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी। उसकी कोविड की रामायण के बाद एक और प्रोड्यूसर ने हिम्मत की, एक फिल्म बना दी आदि पुरुष, और उसके बाद उसको बहुत क्रिटिसिज्म मिला। उसको देखते हुए आपको क्या लगता है इस किरदार के साथ छेड़छाड़ करना कितना ठीक था, कितना गलत था? मैं मेरे लिए आदि पुरुष इज़ ए क्लोज चैप्टर ना, मैं उसको मैं अनकंफर्टेबल होऊंगा नहीं, पर मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता, वो डिस्कशन हो गया है।